हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना, माइंड ब्लोइंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो इंडियन एयरफोर्स पे है। क्यों? क्योंकि उसमें ट्राई कलर्स हैं। और क्यों? क्योंकि वो स्काई डाइविंग करेंगे। तो टाइटल है आज के वीडियो का, ट्रिब्यूट टू द ट्राई कलर फ्रॉम IAF इंडियन एयरफोर्स स्काई डाइविंग आकाश गंगा टीम। तो फ्रेंड्स, ये स्पेशली इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन के लिए हम देख रहे हैं। और पता नहीं इस बार ही क्या करेंगे इंडिपेंडेंस डे पे, क्योंकि कोरोना है। तो देखते हैं अब जब इंडिपेंडेंस डे होगा। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है तो डेफिनेटली शेयर करना, पर फील लाने के लिए, क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं तो वीडियोस देखना तो बनता ही है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, यस, अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। वीडियो अमेजिंग था, मुझे नहीं पता था इतना अमेजिंग। बहुत छोटा सा वीडियो था, मेरे ख्याल से कुछ एक मिनट का होगा, पर इतना अमेजिंग उन्होंने किया। सबसे पहले तो अपने हाथ में सेल्फी स्टिक्स थी उनके पास, तो सोचो कितना डिफिकल्ट है। पहले उन्होंने स्काई डाइव किया, डाइव करने के बाद सेल्फी स्टिक के साथ हैं, फिर उनको सब मैन्यूवरिंग करनी है जिससे उनको अपना पैराशूट भी ओपन करना है, फिर पैराशूट ओपन करने के बाद अब जंप उन्होंने अलग अलग किया था। तो मुझे लगा कि वो शायद साथ में एक के ऊपर एक किसी तरह से हवा में आए हैं, जिससे वो ऐसे लग रहा है। पर जब उन्होंने क्लोजअप दिया और देखा कि वो एक के ऊपर एक खड़े हैं, तो एक्चुअली में जो सबसे नीचे है उसके जो पैराशूट है उसके साथ एक कुछ प्लास्टिक की एक शील्ड सी थी। उस शील्ड पे मतलब वो अपने आप को मूव करके उस शील्ड के ऊपर वो खड़े हुआ पहले फर्स्ट बंदा। तो जब फर्स्ट वाला एयरफोर्स का ऑफिसर खड़े हुए, उसके बाद उन्होंने फिर दूसरी, उनकी जो अपनी शील्ड थी उसके ऊपर दूसरे बार जो थर्ड पर्सन था वो खड़ा हुआ, अमेजिंग। और उसके बाद जो सबसे नीचे था उसने कुछ खोला जिससे नीचे हमारा इंडियन फ्लैग जो था वो खुल के ओपन हो गया। एंड देन सबसे अमेजिंग, सबसे प्राउड मोमेंट, सबसे माइंड ब्लोइंग मोमेंट था जब वो सारे ऐसे खड़े हैं और सबके पैराशूट जो है वो पूरे अपने फ्लैग की तरह कलर्स के साथ ठीक अलाइन होके हैं, नीचे फ्लैग उड़ रहा है और वो तीनों खड़े होके सल्यूटिंग पोजीशन पे खड़े हैं। अमेजिंग, इतनी देर वो भी हवा में बैलेंस करना, मुझे तो समझ नहीं आता कैसे पॉसिबल हुआ होगा। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि पॉसिबल कैसे हुआ कि वो एक के ऊपर एक खड़े भी हो पाए, क्योंकि हवा चलती है, आप इधर उधर उड़ रहे होते हो, सब हो रहा होता है और साथ में आपके पास सेल्फी स्टिक भी। फिर एक कोई ऐसा भी था जो दूर से सेल्फी स्टिक से ये सारा जो है रिकॉर्ड भी कर रहे थे। अमेजिंग है। यही तो कहते हैं, अगर आपको दिल में चाहो, अपनी कंट्री से प्यार हो, तो कुछ भी पॉसिबल है। और हमारे इंडियन एयरफोर्स ने तो कमाल कर दिया यार, मैं तो इतना प्राउड फील कर रही हूँ कि क्या बताऊं। और ये तो मेरे को, मेरा अपना एक घर है इंडियन एयरफोर्स। मैं तो बचपन से
एयरफोर्स की यूनिफॉर्म्स देख देख के, लोगों को ऑफिसर से मिल के बातचीत करके, उनको अंकल अंकल बोल के बड़ी हुई हूँ। तो दिस इज अमेजिंग गाइस, अमेजिंग। बहुत ही बढ़िया था और ऐसा लगता है कि बहुत आसान है, मगर इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। बहुत ही डिफिकल्ट है। जिस तरीके से वो उन्होंने जंप किया, फिर ज्वाइन हुए, एक के ऊपर एक गए, और उन्होंने पैराशूट्स इस तरीके से किए थे कि उनको पता था कि किसके पैराशूट के अंदर जो अशोका चक्र है, कहाँ पे कौन सा वाला ग्रीन है, पैराशूट कौन सा में ग्रीन है, किसका जो है ऑरेंज है, सैफ्रन है, वो सारा जो है उन्होंने प्लान किया था कि कौन किस लेवल पे खड़ा होगा। और फिर एक सेल्फी भी होगी जो ऊपर से दिखाएगी आपको पूरा फ्लैग, उसके बाद एक नीचे फ्लैग होस्ट होगा, उसके लिए भी एक और बंदा वो फार अवे होगा। इसका मतलब है कि तीन बंदे वहां थे और एक बंदा अलग था, चौथा। तो चौथे बंदे ने वहां से दिखाया कि देखिए तीन वहां पे हैं, मतलब वर्टिकली आप देखिए फ्लैग, हॉरिजॉन्टली देखिए फ्लैग, और जो फोर्थ पर्सन है वो मनूवर कर रहा है ये सब कि सेल्फी से ये सब कर सके डिफरेंट एंगल्स से। और उनके पास लिमिटेड टाइम है कि एक लेवल में उनको सेपरेट होना पड़ेगा और लैंड करना पड़ेगा, और कितने एलिवेशन से आपको जंप मारना है, कितना समय आपको मिलेगा। बहुत ही जबरदस्त किया था। और उसके अब आप देखिए कि कितनी प्रैक्टिस चाहिए होगी, इन्होंने पहले रूटीन्स किए होंगे, फाइनली ये रूटीन हो रहा है, काफी प्रैक्टिस की होगी। और सिंपल जो स्काई डाइविंग इटसेल्फ है वो बहुत डिफिकल्ट काम है। अगर आपको आप प्लेन में बैठते हैं, प्लेन में झटके आते हैं तो आपकी टेंस हो जाते हैं कि बाय गॉड प्लेन ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। उसके बाद आप जंप करते हैं तो आपको लगता है, अगर आप उसमें जाते हैं वो जो इतना बड़ा सा वो व्हील होता है, फेरिस व्हील होता है, उसमें जाते हैं तो आपका पेट दर्द होता है, आप जरा सा इतने जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कोई जंप कर रहा है तो उसके लिए तो बहुत प्रैक्टिस चाहिए। और मेरे ख्याल से ये मुझे पता नहीं किस एज से शुरू किया था, मोस्ट लाइकली ये 18-19 ईयर्स के होंगे जब इन्होंने शुरू किया होगा, ये जिनको सिखाया गया होगा स्काई डाइविंग। और ऑफ कोर्स एयरफोर्स ने सिखाया है, और एयरफोर्स का तो मतलब यही है कि आपको स्काई डाइविंग सीखनी पड़ेगी, आपको एयरप्लेन को चलाना पड़ेगा। आप हाँ, ये है कि कुछ दूसरे जॉब्स भी होते हैं जो आपको फील्ड में नहीं जाना पड़े, ऑफिस के जॉब्स हैं, मगर जो लोग फील्ड के जॉब्स ले रहे हैं उनको पता है कि उनको जंप करना पड़ेगा, उनको एयरप्लेन चलाना सीखना पड़ेगा। और उसके लिए भी जो एयरप्लेन होता है बहुत ही महंगा इक्विपमेंट होता है, जैसे हमने देखा था वो एक मेरे रफाइल मेरे ख्याल से $100 मिलियन का था। तो इतना महंगी चीज़ जो इंसान उड़ा रहा है, उसके पहले कितने उस बंदे ने सिमुलेशन पे टेस्टिंग की होगी, बहुत कुछ प्रिपेयर करना पड़ा होगा, तब जाके आपको एक एयरप्लेन मिलता है जो $100 मिलियन का है। और उसके बाद आप पे दिया जाता है, सौंपा जाता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इतनी कॉस्टली चीज़ को उड़ा रहे हैं, ध्यान से उड़ाइए। और ऑफ कोर्स आपको चैम्पियन होना पड़ेगा जिससे आप मतलब एयर टू एयर वॉरफेयर कर सकें। तो बहुत ही अच्छा था ये वीडियो, बहुत ही अच्छा लगा देख के कि इंडियन एयरफोर्स एक्सपर्ट है। उससे पहले हमने एक वीडियो किया था पैराग्लाइडर्स का, पैरा ट्रूपर्स का, उसमें आपको नजर आ रहा था कि कैसे वो गलतियां कर रहे थे लोग जंप करते हुए। और काफ़ी लोगों ने कहा था कि जी ये जो है ट्रेनिंग का है, पाकिस्तान के ट्रेनीज का है या कोई और वीडियो है, तो वो बात ठीक है कि ट्रेनीज का है, मगर उससे एक आइडिया आता है कि कितने टफ है जॉब, कि वो उनको पैराग्लाइडर्स को सिर्फ जंप करना था, उनकी प्रॉब्लम्स आ रही थी, यहाँ पे आपको जंप करना है, पूरा अरेंजमेंट करना है, लिमिटेड टाइम है, एक बंदे को सेल्फीज लेनी है, इतना कुछ एक्टिविटी हो रही है थोड़े से समय के लिए, उसके बाद आपने टच डाउन करना है, आपको सेपरेट होना है। तो अमेजिंग, बहुत ही अच्छा, मतलब इन्होंने एक्सपर्टाइज दिखाई है इंडियन एयरफोर्स की, ग्रेट। यस फ्रेंड्स, देख के दिल खुश हो गया और वो इंडिपेंडेंस डे की फीलिंग भी आने लग गई है। और मैं तो यही कहूंगी, दीज आर आर ट्रू ब्रेव हार्ट्स, कमाल कर दिया है, बहुत ही मतलब शेर दिल हैं ये लोग, शेर दिल, कमाल है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।